हेलो एवरीवन, वेलकम टू नामदेव एकेडमी। आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, और ये सभी क्वेश्चन RSMSSB बोर्ड है वो एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं और उन्हीं पेपर्स में से सेलेक्ट किए गए हैं। और इसलिए आप जब भी एग्जाम देने जाओ इन क्वेश्चंस को जरूर देखिए जाइएगा, और पहले आप सेल्फ एनालिसिस कीजिएगा कि आप इन क्वेश्चंस का आंसर दे पाते हो और नहीं दे पाते। और स्टार्टिंग में ये क्वेश्चन हम शुरुआत करते हैं और सभी क्वेश्चंस लेंगे जो भी RSMSSB बोर्ड द्वारा पूछे गए हैं। और ये क्वेश्चन शुरू में आपको हार्ड लगेंगे और बाद में ये इजी, क्योंकि हम पेपर देखते हैं तो पेपर में क्या होता है, पहले हार्ड लेवल के क्वेश्चन होते हैं और बाद में धीरे धीरे इजी लेवल का। ऐसे इसमें सेलेक्ट किया गया, पहले हार्ड लेवल के क्वेश्चन होंगे बाद में इजी लेवल के। तो आप अपनी तैयारी को देखिएगा और अच्छे से तैयारी कीजिएगा, ठीक है। तो हम देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन आप, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है। अपने को आंसर बताना है कि रबी की फसल कौन सी नहीं है, ठीक है। ऑप्शन ये दे रखे हैं। तो सबसे पहले हम बात करें, तो इस क्वेश्चन का आंसर की बात करें हम, तो क्या हो जाएगा। देखो रबी और खरीफ भारत के अंदर दो प्रकार की सीजन के अंदर ये फसल बोई जाती है, ठीक है। अगर इसमें बात करूँ तो आंसर हो जाएगा अपना चावल, ठीक है, ये रबी की कैटेगरी में आ गया। अगर बात करूँ ये गेहूँ, जौ और मसूर, ये किसकी कैटेगरी में आएगी, खरीफ की कैटेगरी में आएगी, ठीक है। अब रबी की फसल कब से कब बोई जाती है और खरीफ की फसल कब से कब तक बोई जाती है, ये क्वेश्चन मतलब इसी पे बेस पे, या तो ये क्वेश्चन आ जाएगा या इस क्वेश्चन को दूसरी भाषा में किसे बना देंगे कि रबी की फसल होती है वो किस पीरियड में बोई जाती है और वो खरीफ की होती है वो किस में बोई जाती है, ठीक है। अगर खरीफ की बात करूँ तो खरीफ की फसल बोई जाती है जुलाई से अक्टूबर के बीच, जुलाई से अक्टूबर के बीच बोई जाती है। और जो रबी की फसल होती है वो होती है अक्टूबर से मार्च के बीच, अक्टूबर से मार्च के बीच। यानी अब जो सर्दियों के अंदर में जो फसल बोते हैं वो होगी अक्टूबर से मार्च के बीच में। तो इस क्वेश्चन के अंदर रबी की फसल नहीं है, तो चावल एक रबी की फसल नहीं है क्योंकि चावल एक खरीफ की फसल है, ठीक है। तो खरीफ की फसल और कौन कौन सी है चावल के साथ में, तो ऑप्शन देखो आप आराम से देखो, अच्छे से समझो क्वेश्चन को। चावल के साथ में मक्का हो गई, बाजरा हो गई, ये सब किसकी कैटेगरी में आती है, रबी की, ये खरीफ की कैटेगरी में आती है। और रबी की बात करूँ तो अपने होगी गेहूं होगी, जौ होगी, सरसों होगी, मसूर होगी, ये सब किस कैटेगरी में आती है, रबी के, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर दो। निम्न में से कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है। ये क्वेश्चन सब RSMSSB बोर्ड द्वारा पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन से, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आप अच्छे से करके जाइएगा इन क्वेश्चन को, ठीक है। कृषि पर आधारित जो सीमेंट होती है वो एक कृषि आधारित उद्योग नहीं है, क्योंकि सीमेंट के अंदर क्या होता है, कई जिप्सम वगैरह, फेल्सपार, मतलब उस तरीके के कंक्रीट इसमें काम में लिए जाते हैं। बाकी ये जो आप कृषि पे आधारित है, कृषि यानी खेत के अंदर जो उपज होती है उनसे ये सब बनाई जाती है, तो सीमेंट है वो एक कृषि आधारित उद्योग नहीं है। नेक्स्ट बात करें हम क्वेश्चन नंबर तीन की। राजस्थान के पांचवें राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार स्थानीय निकायों को आवंटित संसाधनों का वितरण अनुपात क्या है। राजस्थान के पांचवें राज्य यानी फिफ्थ स्टेट फाइनेंस कमीशन की बात हो रही है, और उसके अकॉर्डिंग देखो 75.10% ग्रामीण निकायों को और 24.90% शहरी निकायों को। यानी देखो इसकी बात करता हूँ, ये जो है फिफ्थ स्टेट ओन, ये जो फिफ्थ है अपना स्टेट फाइनेंस कमीशन है, उसके अंदर क्या बात करूँ, एक तो होता है इसके अंदर मैं बात कर रहा हूँ, एक तो होता है चेयरपर्सन जो कौन है, डॉक्टर ज्योति किरण, तो ये भी पूछा जा सकता है। और जो फिफ्थ स्टेट फाइनेंस कमीशन, इसका पीरियड है 1 अप्रैल 2015 से, यानी 1 अप्रैल 2015 से 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2020 तक। ये जो पांचवा स्टेट फाइनेंस कमीशन है उसका पीरियड भी पूछा जा सकता है 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2020 के बीच में। और इसके अंदर 5 मेंबर होते हैं और एक चेयरपर्सन होता है, और चेयरपर्सन कौन है, डॉक्टर ज्योति किरण, ये रही, ठीक है। अब देखो ये इसमें स्थानांतरण कुल राशि पूछ ले, अब देखो इसमें पूछा कि अर्बन और रूरल का पूछा गया है, तो वही है 75.1% और 24.9%, ठीक है। और देखो ये पूछा गया ग्रामीण निकायों को 75.1% और शहरी निकायों को 24.90% आवंटित किया गया है, ठीक है। आपको राशि पूछे तो आप राशि भी यहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों की शक्तियों, अधिकारों और जिम्मेदारियों से संबंधित है, तो कौन सा अनुच्छेद है, 243G, ठीक है। और ये किससे संबंधित है, पंचायती राज से संबंधित, पंचायतों को शक्तियाँ, अधिकार और जिम्मेदारियों से संबंधित हैं, ठीक है। और ये किसमें, 11th शेड्यूल के अंदर है, याद भी रखना ये भी 11th शेड्यूल। देखो ये रहा 243G है, और ये किसके अंदर, 11th शेड्यूल के अंदर, और इसके अंदर जो जो काम आते हैं वो ये है, ठीक है, इस तरीके के काम है। नेक्स्ट है, केंद्रीय शोषक अनुसंधान संस्थान का गठन कब किया गया, ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको CAZRI भी बोला जाता है, और ये काम पे जोधपुर के अंदर है,
ठीक है। तो इसकी स्थापना कब की गई, 1959 के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें, देखो इसके बारे में होगी, ये इसका पूरा नाम है सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको हम केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान भी बोलते हैं, ठीक है। ये कहाँ पे स्थित है, ये जोधपुर के अंदर है। और डायरेक्टर पूछ लें, देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे रिपीट होंगे, यही है कि एक क्वेश्चन पे बेस पे तीन चार क्वेश्चन आते हैं तो वही घुमा के दे देंगे। तो डायरेक्टर पूछ लेंगे तो डॉक्टर ओपी यादव हो गया, ठीक है। इसकी स्थापना होगी 1959, इसकी शॉर्ट फॉर्म हो गया काजरी। ऐसा आ सकता है सी ए जेड आर एम, जेड क्या है तो जेड हो गया जोन, आर क्या है रिसर्च हो गया, ठीक है। इसका मोटो मेन उद्देश्य क्या, एनहेंसिंग रेजिलेंस ऑफ एरिड लैंड्स हो गया, ठीक है। इसकी पेरेंट इंस्टीट्यूट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, कौन सी संस्था हस्तशिल्पियों से सीधे उनके द्वारा उत्पादित हस्तशिल्प वस्तुओं को खरीदती है, ठीक है। कौन सी संस्था, वो है राजशिको है, वो छोटे लघु उद्योगों से उनसे द्वारा जो भी निर्मित वस्तुएं हैं उनको खरीदती है, कौन, राजशिको। अगर राजशिको की बात करूँ फुल फॉर्म क्या होगी इसकी, तो राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड, ध्यान देना, राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये क्या होते हैं, छोटे छोटे लघु उद्योग होते हैं, उनसे द्वारा जो भी निर्मित वस्तुएं उनको खरीदती हैं। नेक्स्ट है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना का विचार किसके दिमाग की उपज है, तो ये उपज कंवर सेन की उपज है, ठीक है। कंवर सेन कौन थे, एक हाइड्रोलिक इंजीनियर थे, ठीक है। इसके बारे में हम देखते हैं, एक तो देखो इंदिरा गांधी नहर है भारत की सबसे लंबी नहर है, अब क्वेश्चन आ गया कि भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है, इंदिरा गांधी नहर। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि ये कहाँ से कहाँ तक होती है, ये हरिके बैराज से शुरू होती है, कहाँ से, हरिके बैराज से शुरू होती है और समाप्त कहाँ पर होती है, थार रेगिस्तान में समाप्त होती है। हरिके बैराज कहाँ है, पंजाब में, और थार रेगिस्तान कहाँ है, राजस्थान में, ठीक है। अब देखो इसको पहले राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता था, लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हुई तो 2 नवंबर 1984 को इसका नाम बदल दिया गया। तो देखो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, पंजाब और पाकिस्तान के माध्यम से जो भी आने वाली नदियों हैं उनका पानी को मतलब राजस्थान में पहुँचाने के लिए एक हाइड्रोलिक इंजीनियर थे कंवर साइन ने इसकी कल्पना की थी, किसने की थी, कंवर साइन ने, ठीक है। और 1960 के अंदर बाद में क्या हुआ, एक समझौता हो गया किसके, भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि समझौता पर हस्ताक्षर हुआ, कब, 1960 में। तो देखो क्वेश्चन कैसे भी हो सकते हैं, ठीक है। और इसके अंदर सतलज, ब्यास और रावी तीन नदियों के पानी का उपयोग करने का अधिकार दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी, अगर बात करें इस नहर का उद्घाटन हुआ था 31 मार्च 1958 को और 2 नवंबर 1984 को इसका नाम इंदिरा गांधी नहर परियोजना कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के कितने जिलों में थार रेगिस्तान फैला हुआ है, तो कितने जिले हैं जिसमें थार रेगिस्तान फैला हुआ है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर देना है अपने को, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 12, ठीक है। अब देखो इसमें देख लेते हैं 12 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं, आप इनमें देख लीजिएगा और स्क्रीनशॉट भी मार लीजिएगा, ठीक है। थार रेगिस्तान 12 डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड का विलय राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड में कब हुआ। ये सब क्वेश्चन देखो बिल्कुल RSMSSB को हाई लेवल एग्जाम तो करवाता नहीं है और उसमें भी ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आपको आने चाहिए अगर आप एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हो तो, ठीक है। तो ये देखो विलय कब हुआ, विलय हुआ 19 फरवरी 2003 को, और ये पूछ लीजिए आधिकारिक कब से काम करना स्टार्ट किया, यानी अधिकारी ये कागजों पे कब आया, तो ये आया 20 फरवरी 2003 को। तो मेनली इसका 19 फरवरी 2003 वाली डेट ही पूछते हैं, ठीक है। विलय कब हुआ, 19 फरवरी 2003 को। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, राजस्थान में चल रहे सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत सक्षम योजना क्या है, राजस्थान की सक्षम योजना क्या करेगी, जो लड़कियाँ होती है बालिकाएँ होती है उनको आत्मरक्षा के लिए प्रशिक्षण देना। तो आंसर क्या हो जाएगा, बालिकाओं को आत्मरक्षा के लिए प्रशिक्षण देना, इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट है कि राजस्थान के अंदर रिफाइनरी है जो राजस्थान सरकार और HPCL का इसमें कितना रेशियो है, शेयर पूछा है, तो राजस्थान सरकार का तो इसमें 26 और जो HPCL है उसका 74। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया अपना। नेक्स्ट देखते हो, अब देखो इंपॉर्टेंट चीज़ स्क्रीन शॉट मार लीजिएगा, आपको देखो ये कहाँ पर है और इसकी नींव किसने रखी, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, आपको मैं सब बता देता हूँ। ये कहें बाड़मेर रिफाइनरी कहाँ पे, पचपदरा में एक तो, और इसका जो इनोग्रेशन वो पत्थर रखा था वो किसने की लग रहा था, नरेंद्र मोदी ने, और कब रखा था डेट पूछी जा सकती है, 16 जनवरी 2018, ठीक है, स्क्रीन शॉट मार लीजिएगा। और कौन कौन थे साथ में, CM थे अपने वसुंधरा राजे, और साथ में कौन थे, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल गैस स्किल डेवलपमेंट एंड इंटरप्राइज ने धर्मेंद्र प्रधानमंत्री थे, ठीक है। अब देखो इसमें कॉस्ट की बात करें, अगर टोटल कॉस्ट पूछे तो ये कब कंप्लीट हो जाएगा, ये इस टाइम में, ठीक है। इसकी कैपेसिटी पूछे तो ये, HPCL का शेयर पूछे तो ये, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का शेयर पूछे तो ये, इसकी लोकेशन पूछे तो ये रही, ठीक है। और इसमें साथ ही साथ में अगर बात करें इसमें
HPCL की बात करें तो HPCL है, इसका फाउंडेड हुआ था 1976 में और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई महाराष्ट्र में, और एम के सुराना HPCL के CMD है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। राजस्थान के किस जिला औद्योगिक केंद्र में 31 मार्च 2017 को एक भी बड़े पैमाने का उद्योग कार्यशील नहीं था। तो मतलब राजस्थान की जितने भी जिले हैं ना, ये तीनों, इन तीनों में कोई भी बड़ा उद्योग नहीं चल रहा था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, कौन सा राजस्थान का पहला सुपर तापीय पावर प्लांट है। तो पहला कौन सा, सूरतगढ़, और ये कहाँ पर है, गंगा नगर के अंदर। ठीक है, गंगा नगर। देखो यह है राजस्थान के पावर स्टेशन कौन सा कहाँ पे है और कौन सी क्या कैपेसिटी है। तो आपको ओनली क्या ध्यान देना है, कहाँ पे स्थित है, ये ध्यान देना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यहाँ पे सूरतगढ़ का है, गंगानगर में, कोटा का है, कोटा में, छाबड़ा का है। तो मेनली सूरतगढ़ इंपॉर्टेंट हो गया, छाबड़ा पूछ सकते हैं क्योंकि ये नाम थोड़ा अलग से आता है बारह में। ठीक है, काली सिंध कहाँ पर है, ये झालावाड़ में। ठीक है, धौलपुर का है, ये नहीं पूछा जाएगा, क्यों, धौलपुर सेम नाम है। ठीक है, गिरल पूछा जा सकता है, गिरल का है बाड़मेर में। ठीक है, ये स्टेशन है, आप इनको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और एग्जाम के लिए ध्यान से देखिएगा। राजस्थान में देश का कितना प्रतिशत फेल्सपार है, राजस्थान के जो भी खनिज है उसमें फेल्सपार का प्रतिशत पूछा गया है जो है 66%। ठीक है, राजस्थान के अंदर जो जो खनिज है, अब ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, ये देखो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप यहाँ से जितने भी हैं। अगर कॉपर पूछे, कॉपर प्रोडक्शन है 40%, जिंक पूछे, जिंक पूछ सकते हैं क्योंकि ये पूरा 100% है, सबसे ज़्यादा 100% कहाँ है राजस्थान के अंदर, जिंक है। और बाद में लेड पूछे 85%, जिप्सम पूछे 94%, सिल्वर पूछे 76%, फेल्सपार देखो ये पूछा गया तो फेल्सपार 66%, एस्बेस्टोस और मीका, इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, राजस्थान की कौन सी विद्युत परियोजना राज्य की स्वयं की पूर्ण स्वामित्व वाली परियोजना है। ओनली जो माई परियोजना है ये ओनली सिर्फ और सिर्फ राजस्थान की, बाकी जो तीनों हैं इनमें किसी ना किसी दूसरे स्टेट का रेशियो है शामिल है। ठीक है, पार्टनरशिप शामिल है यानी दूसरे स्टेट्स की। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा माई। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। मुगल बादशाह शाहजहां और औरंगजेब के शासनकाल में निरंतर मुगल दरबार के कार्य करने वाले जयपुर के शासक का नाम बताओ। जयपुर का कौन सा शासक था जो शाहजहां और औरंगजेब के शासनकाल में उनके दरबार में कार्य करते थे। तो वो थे मिर्जा राजा जय सिंह। तो आंसर हो जाएगा ये, मिर्जा राजा जय सिंह। क्वेश्चन नंबर 17, कोटा राज्य का संस्थापक कौन था, राव माधो सिंह। तो आंसर हो जाएगा राव माधो सिंह। कौन से हिंदू महीने में तेजादशमी मनाई जाती है, तो वो मनाई जाती है भादवे में यानी भाद्रपद में। नेक्स्ट बात करते हैं, चंपा के लिए आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है, ये गले में पहना जाता है। तो आंसर हो जाएगा गर्दन। नेक्स्ट है, दक्षिण राजपूताना के छोटे राज्यों का एकीकृत करने के लिए किसने हाड़ौती संघ और कौन से दक्षिणी राजपूताना, ये दो इंपॉर्टेंट नाम, दक्षिणी और हाड़ौती संघ बनाने का प्रस्ताव दिया था, किसने दिया था, ये दिया था गोकुललाल असावा ने। अब ये गोकुललाल असावा कौन है इसके बारे में देखते हैं। गोकुललाल असावा, इनका ये जन्म हो गया और साथ ही साथ में हम बात करें इनको, ये इनके बारे में पूरी डिटेल्स है आप देख लीजिएगा। इन्होंने एक कोटा में अजमेर नमक सत्याग्रह के लिए आए थे, बाद में इन्हें एक मुख्यमंत्री बनाया गया था, किसका बनाया गया था, जो मेवाड़ संघ ये था। गोकुललाल असावा को दक्षिणी पूर्वी रियासतों को मिलाकर बनाए गए संघ का मुख्यमंत्री बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखो, जयपुर का कौन सा शासक कविताओं में अपना उपनाम ब्रजनिधि लिखते थे, तो वो थे स्वाई प्रताप सिंह। क्या नाम लिखते थे, अपना ब्रजनिधि। नेक्स्ट है, जयपुर में वर्धमान विद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो वर्धमान विद्यालय की स्थापना किसने की थी, जयपुर के अंदर बात हो रही है, तो ये की थी अर्जुनलाल सेठी। तो आंसर हो जाएगा अर्जुनलाल सेठी। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह का एक नेतृत्वकर्ता था, कौन थे नेतृत्वकर्ता, वो थे जयदयाल। ठीक है जयदयाल। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कौन सा प्रसिद्ध राजस्थानी गीत एक युवती के सौंदर्य का वर्णन करता है, कौन सा है वो, मोमल। ठीक है, नेक्स्ट है, त्रिपुरा सुंदरी देवी का मंदिर कहाँ स्थित है। त्रिपुरा का विषय है, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में भी है, लेकिन राजस्थान की बात हो रही है तो राजस्थान में कहाँ है, बांसवाड़ा के अंदर। ठीक है, तो दोस्तों ये थे क्वेश्चन, आपको पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अगर आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो जितने भी पेपर्स हैं इसके, जीके हो, साइंस हो, मैथ हो, इंग्लिश हो, सब के सब में जो पेपर्स बोर्ड द्वारा कराए गए हैं RSMSSB उसके द्वारा आयोजित सभी पेपर्स के सभी क्वेश्चंस को लें, ताकि आपके आने वाली एग्जाम से बहुत ज़्यादा फ़ायदा करें। और लेवल आपने देख ही लिया होगा, और एग्ज़ाम देने जाओगे तो भी आपको ऐसा ही लेवल देखने को मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग।